शक्ति कमजोर है, खाना नहीं पचता है या पेट में अपच की प्रॉब्लम रहती है। तो इस आसन को करके देखिए, दो आसन बताऊंगा, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। दोनों ही आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, खाना पचाने में मदद करते हैं। अगर आप इस आसन का अभ्यास कंटिन्यू करते हैं तो आपका पाचन वज्र के समान हो जाएगा और पेट में आपके पत्थर भी पचना शुरू हो जाएगा। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले बैठना है वज्रासन में। जब आप खाना खा लेते हैं, आफ्टर ईटिंग जब आप खाना खा लें, तो वज्रासन का आपको अभ्यास करना है। कैसे? वज्रासन में हमेशा व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं कि पीछे से पैरों की स्थिति क्या होगी। तो देखिए, पीछे से पैरों की स्थिति जो होगी कि हमारे दोनों पैर के अंगूठे आपस में टच होंगे, एड़ी बाहर की ओर निकलेगी और जो एड़ी दोनों एड़ियों के बीच में गैप बनेगा उसमें आपको बैठना है, कमर को सीधा रखना है, दोनों हाथ आपके घुटने पर रहेंगे और लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। इस प्रकार आप वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के नी में पेन है, एंकल में पेन आता है, जैसे टखने में इस जगह पर दर्द आता है या घुटने में दर्द आता है वज्रासन में बैठने पर, तो आप पिलो लगाकर या किसी ब्रिक्स का सपोर्ट लेकर भी वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो अब बताता हूँ दूसरे आसन में आपने क्या करना है। अब दूसरा अभ्यास आपका है अग्निसार क्रिया का। क्या करना है आपने? इस प्रकार बैठें सुखासन में, दोनों हाथों को घुटने पर रखें, पूरे सांस को बाहर छोड़ दें। अब पेट को अंदर की ओर खींचें और फिर ढीला छोड़ें, फिर खींचें, फिर ढीला छोड़ें। इस प्रकार देखिए, तो इस प्रकार आप पाचन क्रिया को ठीक कर सकते हैं वज्रासन करके। अगर आप प्रतिदिन वज्रासन या दोनों क्रियाओं में से भी आप एक आसन को प्रतिदिन लगाते हैं, 3 से 4 बार सुबह और 3 से 4 बार शाम को, तो आपका पाचन वज्र के समान हो जाएगा, पत्थर भी पचना शुरू हो जाएगा। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।